हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज की मेरी ये वीडियो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने जो कल अपनी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बात की थी कि हर एक इंसान को मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए वर्क करना चाहिए और बच्चों को जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियल एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन हमारी स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं दी जाती। स्कूल्स और कॉलेजेस में डिग्रीज करते हैं वो, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि पैसा कैसे कमाना है, पैसे को मैनेज कैसे करना है, पैसे को सेव कैसे करना है। ये चीज़ें हमें लाइफ सिखाती है, तो ये चीज़ें जितनी जल्दी आप अपने बच्चों के साथ करेंगे उनको इस चीज़ की नॉलेज मिलेगी। फिर मैंने बात करी थी कि यंग लाइक एडल्ट्स जो बच्चे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, डिग्रीज कर रहे हैं, वो भी कुछ साइड में इनकम के सोर्स अपने जनरेट करें। तो मेरी इस वीडियो पे मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि आपने ये तो कह दिया कि हर इंसान को इनकम सोर्सेज जनरेट करने चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, तो आप ये भी बताएं कि कैसे करें, क्या क्या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। तो आज मैं उसी पे बात करूंगी, लेकिन पहले एक बात समझ लें कि कुछ भी एक दिन में नहीं होता। तो आप ये मत सोचें कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा या दो दिन में सब कुछ हो जाएगा। आपको उस चीज़ के लिए डेडिकेशन से एटलीस्ट, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहती, 3 महीने 6 महीने देने पड़ेंगे। अगर आप किसी चीज़ को डेडिकेशन से 3 महीने भी दे देते हैं, वो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। सारे चैनल्स पे बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन मैं जो आपको यहाँ चीज़ें बता रही हूँ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एक्शन कैसे लेना है। सिर्फ सोचने से चीज़ नहीं होती, सोचना बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में, लेकिन एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा ही। खाली अगर आप बैठ के टीवी देखें और कुछ सोचें ही ना, तो आपके माइंड में तो वही चीज़ें चल रही हैं। आपको अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, अपने मल्टीपल सोर्सेज जनरेट करने के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, वो अपना साइड कोई बिजनेस या कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें वो शुरू कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो हर इंसान के लिए है जो एक्स्ट्रा कुछ मनी अर्न करना चाहता है, चाहे ये उनकी फर्स्ट इनकम हो, चाहे वो 15 साल के हैं, चाहे वो 20 साल के हैं, चाहे वो 40 साल के हैं या 50 साल के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अपनी एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि आप कैसे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो 9 to 5 जो लोग जॉब कर रहे हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि 9 to 5 कुछ भी अमाउंट आप अर्न कर रहे हैं, कई अगर 10,000 अर्न कर रहे हो या 20,000 अर्न कर रहे हो, आपके खर्चे भी उतने होते हैं, तो सेविंग्स होना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वैसे ही आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। तो 9 to 5 तो जॉब आपको एक बेसिक कंफर्टेबल लिविंग दे देती है, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना है, अपनी ड्रीम्स फुलफिल करने हैं लाइफ में, तो आपको ज़रूर एक्स्ट्रा आवर्स डालने पड़ेंगे। इसको मैं कहती हूँ कि 9 to 5 जो आप करते हैं वो आपको डेली रूटीन में आपके कम्फर्ट्स देगा, लेकिन जो जॉब के बाद आप 5 से 9 बजे तक करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। 5 से 9 बजे तक या तो आप घर आके टीवी देख सकते हैं, सीरियल्स देख सकते हैं और न्यूज़ सुन सकते हैं, उसमें टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या आप 5 बजे से 9 बजे तक कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम सारा दिन ही काम करें, तो ये तो आपकी मर्जी है। अगर आप 9 से 5 वाली इनकम में खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 5 से 9 मेहनत नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ आपको ऑप्शंस बता सकती हूँ कि क्या आप कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है आप कुछ महीने करें, एक बार आपकी इनकम बिल्ड हो जाती है उसको आप स्केल अप कर सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम किए हैं, मैंने कुछ मेरे बिजनेस बहुत अच्छे चले हैं, कुछ मेरे बिजनेस बहुत अच्छे नहीं चले हैं, लेकिन हर काम करने से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, और जो मैंने उस काम से सीखा वो स्किल्स मैंने कहीं ना कहीं और यूटिलाइज करी हैं। मैंने अपने प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे सेल किए हैं, एटसी पे सेल करे हैं, एटसी एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, आई थिंक इंडिया में नहीं है वो,
इंडिया में जैसे आपका फ्लिपकार्ट है या अमेजोन तो हर जगह है, लेकिन वो चाहे मेरे नहीं अच्छे चले लेकिन उससे मुझे लर्न हुआ कि क्या चीज़ें, ईबे है एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म, ईबे पे मैंने सेल किए, मैंने बहुत ऐसे काम किए हैं। इस टाइम मेरे 7-8 हैं जो पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं, और 2016 से ऐसे जैसे मैंने आपको कल भी बताया मेरा एक ही इनकम का सोर्स था मेरी जॉब, और उसके कारण स्ट्रेस भी होता है, एंग्जाइटी भी होती है कि अगर वो सोर्स नहीं रहा तो आप कैसे अपने बिल्स पे करेंगे। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, टाइम हर इंसान के पास एक सा है, आप निकालेंगे टाइम। तो हम अब बात करते हैं कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये वीडियो हर इंसान के लिए है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल है, आपकी कुछ भी क्वालिफिकेशन है, कुछ भी एज है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ पर्पज़ है आपको वेज बताने के कि आप कैसे अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। हाँ जी, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या है कि अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन ली है या तो आप जॉब कर लें और या आप बिजनेस करें, और बिजनेस करने के लिए हमारा माइंडसेट ये है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसे चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे तरीके हैं जो आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है वो थोड़ा छोटा स्केल होगा लेकिन कहीं से शुरू तो करें, हम एक स्टेप तो लें। अगर आपने दिल्ली से जयपुर जाना है तो आप तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे, तो एक कदम तो लें। आप रोड पे कार भी ड्राइव करते हैं, आपको पूरा डेस्टिनेशन नहीं दिखता, आपको सिर्फ 50 फीट 100 फीट तक ही डेस्टिनेशन दिखता है रास्ता। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं रास्ते खुलते जाते हैं। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कि आप कदम उठाएंगे तो रास्ते बनते जाएंगे। अब बात करते हैं कि आप क्या चीजें और कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक काम करें, आराम से बैठें, एक पेपर पेन लें और एक पेपर पे अपने लिखें आपकी स्किल्स क्या हैं। कोई भी स्किल्स हो सकती हैं। अब मेरा मतलब यहाँ पे स्किल्स से ये नहीं है कि आपकी डिग्री क्या है। आप ये मत सोचें कि आपने मास्टर्स करी थी इकोनॉमिक्स में या मास्टर्स करी थी पॉलिटिकल साइंस में, उससे कुछ नहीं लेना देना। वो डिग्री आपने कर ली, आपके पेरेंट्स ने कहा करने को या जो भी रीज़न थे, हो सकता है आपने 10 साल पहले करी, 20 साल पहले करी, उसको भूल जाए। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे स्किल की, और हर इंसान में कोई ना कोई स्किल होती है। आप ये आइडेंटिफाई करें आप में वो कौन कौन सी स्किल्स हैं। एक स्किल है, दो स्किल है, 5 स्किल है, उनको पेपर पे आप लिखें। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, वो स्किल हो सकती है आपकी खाना बनाने की, वो स्किल हो सकती है आपकी सिंगिंग की, वो स्किल हो सकती है आपकी पेंटिंग करने की, कुछ भी हो सकती है, आप उसको आइडेंटिफाई करें। अब आप सोच रहे होंगे कि पेंटिंग, खाना बनाने से हम उसको कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। मैं आपको उसका भी एक्सप्लेन करूंगी। जब आपने वो लिख ली तो उसके बाद कोई ये सोचेगा कि मेरे पास तो कोई स्किल्स है नहीं, मैं तो अभी मैंने शुरू किया है, मैं अभी 15 साल का हूँ या मैं अभी 20 साल का हूँ, मेरे पास अभी उतनी स्किल्स नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास अगर आपको लगता है कि आपने अभी स्किल्स नहीं डिवेलप करी तो आप वो चीज़ें लिखें जिसमें आपको शौक है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है आपका कुकिंग करना, या वो हो सकता है आपका खेलना, क्रिकेट खेलना, या कुछ भी, हम उससे भी पैसा अर्न कर सकते हैं। तो अब आपने लिख ली कि आपकी स्किल्स क्या हैं या आपके इंटरेस्ट क्या हैं। अब सेकंड चीज़ आप क्या करेंगे, आप देखें कि उस स्किल से आप कुछ शुरू कर सकते हैं। सपोज आपकी स्किल है कुकिंग करना या बेकिंग करना। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने घर से केक सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छा उनका चल रहा है, वो सेल कर रहे हैं इंस्टा के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, और उसने मुझे अपनी पिक्चर्स भेजी केक्स और बहुत अच्छा, वो अब उसको स्केल अप करना चाहती है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से आप कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है, अगर आपका कोई और स्किल है, जैसे आपका स्किल है कोई ग्राफिक डिज़ाइन का, कोई फोटोशॉप का, या आपका वेबसाइट बनाने का, आप उसको लोगों के लिए कर सकते हैं। मैं अभी आपसे बात करूंगी कि किस प्लेटफॉर्म्स पे आप वो चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप अपनी स्किल्स को वहाँ पे
सेल कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप कहते हैं कि मेरे को शौक है, किस चीज़ का इंटरेस्ट है आपको, मैं दो एग्जांपल्स लेती हूँ जिससे आप हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम कवर कर सकते हैं। एक बॉयज़ का शौक क्या है, अगर वो कहते हैं कि हमें क्रिकेट खेलने का शौक है, तो अगर आप किसी को, आपको किसी चीज़ का शौक है या आपको स्किल है, आप उसको लर्न और कैसे कर सकते हैं। आपको शौक है पेंटिंग का, क्या आप उसे लर्न कर सकते हैं? आपको शौक है वेबसाइट बनाने का, क्या आप वो लर्न कर सकते हैं? आजकल हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं फ्री में जहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हैं। यही प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, आप कितने सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप कोडिंग सीख सकते हैं, वेबसाइट सीख सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं। तो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, आप एक महीना लगा के, 15 दिन लगा के, 15 दिन में आप डेली के 8 घंटे भी लगाएं, तो कितने ज़्यादा टाइम आप उस स्किल्स को सीख सकते हैं। कोई भी और स्किल्स, चाहे वो केक बनाने की हो, या आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है, वो चीज़ें सीख सकते हैं। सो आप या तो आइडेंटिफाई करें आपकी स्किल्स क्या हैं, आप उसको डिवेलप करें एज अ बिजनेस, या आप आइडेंटिफाई करें आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आप उसको डिवेलप करें एज अ बिजनेस। तो ये दोनों चीज़ें आप करें। जब आपकी ये आइडेंटिफाई हो जाती हैं, या तो उसमें आपको एक्सपर्ट बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, या आपको पहले से आता है। अब इसको आप एज अ बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं? आप छोटा छोटा काम अपना घर से शुरू कर सकते हैं। मेरे को कुछ लोग जानते हैं जो घर से अपना फूड बिजनेस करते हैं, या वो अपना फैशन का बिजनेस करते हैं। अब फैशन की एग्जांपल ले लेते हैं। हर जो भी फीमेल यहाँ पे हैं, सबको शौक है शॉपिंग का, तो आपको फैशन का पता है, आप उसमें अपने आप को डिवेलप कर सकते हैं। आपको अगर फैशन का है, या आपको ट्रैवल का शौक है, तो आप ट्रैवल के लिए यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपको वो कुछ स्किल आती होगी, कुछ आपका इंटरेस्ट है, कुछ स्किल्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। जैसे आपको वेबसाइट बनाना आता है, या आपको फोटोशॉप करना आता है, या आपको कोडिंग करनी आती है, कुछ भी, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आपने कोई क्वालिफिकेशन करी हुई, आप ट्यूशन कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप ऑनलाइन ट्यूशंस कर सकते हैं। तो दो वेबसाइट्स मैं आपको बताती हूँ, एक fiverr.com, एक अपवर्क। ये दोनों वेबसाइट्स ऐसी हैं, आप अपना प्रोफाइल बना के वहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं, आप कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं ये नहीं आपको कह रही कि एक दिन में आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जब आप शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ इनकम आनी शुरू होगी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। लेकिन अब आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा, आपको उसमें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये तरीके हैं जिससे आप अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। जब आपका थोड़ा सा इसमें काम चल जाता है, उसके बाद आप आगे फ्रीलांसर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं काम को अपने बढ़ाने के लिए। तो हर इंसान को ये चाहिए कि अपनी जॉब के साइड पे वो कोई ना कोई बिजनेस करे, या वो कोई ना कोई एक और जॉब कह लें आप, या अपने आप अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में मैं अभी इतनी ही बात करूंगी कि ये सोर्सेज हैं, ये वेज हैं जिससे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। लोग मुझे, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं। आप घर से कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप कोई अपनी स्किल्स डिवेलप कर सकते हैं। अगर आपको डांस आता है, अगर आपको म्यूजिक आता है, आप थोड़े से बच्चों को डांस सिखा सकते हैं, आप ट्यूशन्स शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्किल्स क्या हैं। अगर आपकी स्किल्स अभी किसी चीज़ में आपको लगता है कि नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ों का शौक है लेकिन स्किल नहीं है, कोई बात नहीं,
जिस चीज में आपका स्किल है, इंटरेस्ट है, जिस स्किल, जिस चीज में आपका पैशन है, उस चीज में अपनी स्किल्स डेवलप करें। हमारी लर्निंग स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाद खत्म नहीं होनी चाहिए, हमारी लर्निंग कंटिन्यू रहनी चाहिए, हमारी लर्निंग एक जगह पे आके खत्म नहीं होनी चाहिए। आजकल तो इतना कुछ है आपके पास लर्न करने के लिए। मैंने इतनी सारी क्वालिफिकेशंस ली लेकिन अभी भी मैं हर रोज नई चीजें सीख रही हूँ, और जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग। जब आप लर्न करना बंद कर देते हैं तो आप अर्न करना भी बंद कर देंगे। तो ये आपको अपने साथ बैठ के ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी स्किल्स क्या हैं, आप उसको स्किल्स को कैसे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे आप इनकम अर्न कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।